Good evening, students. Welcome to HashLearn. My name is Tariq and I'll be taking your GK class for this week. That is from 2nd of June to 8th of June. तो जो इस हफ्ते की पूरी जीके की जो इम्पोर्टेंट एक समरी है वो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ और ये काम होगा थ्रू क्वेश्चन. सो वील प्रेजेंट यू विद क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन विद आंसर ऑप्शन जस्ट लाइक अ क्विज एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस क्विज टू ब्रश अप ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम दिस वीक दैट इज जस्ट गॉन बाय फ्रॉम द 2nd ऑफ जून टू द 8th ऑफ जून दैट इज टुडे, राइट. तो ये क्लास जो हम जीके का करते हैं वो हर हफ्ते सैटरडे को होता है 7 o'clock में और यहाँ पे आपको एक पूरी समरी दी जाती है पूरे हफ्ते के जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं. जो क्वेश्चंस हम सिलेक्ट करते हैं आपके लिए बेस्ड ऑन प्रायर प्रीवियस क्वेश्चन का जो टेम्पलेट है जो पहले आ चुका है उसके बेसिस पे हम सिलेक्ट करते हैं कौन सा क्वेश्चन मोस्ट आप कर सकते हैं प्रिडिक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन पर्पज से. तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का और वो है यहाँ पे UNGA दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के नए प्रेसिडेंट के बारे में है. तिजानी मोहम्मद बंदे नाम दिया हुआ है आपको हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द 74th सेशन ऑफ द UNGA इज फ्रॉम विच अफ्रीकन कंट्री. तो यहाँ पे आपको नाम दिया गया है कि जो नए प्रेसिडेंट है UNGA जो कि है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है, उसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है तिजानी मोहम्मद बंदे एंड ही इज फ्रॉम एन अफ्रीकन कंट्री. ये भी बता दिया गया है यहाँ पे और आपको बस ये पता करना है कि आंसर क्या है, कौन सा कंट्री है जिसको ये बिलोंग करते हैं. तो इसका सही आंसर यहाँ पे है नाइजीरिया. इस पर्सन तिजानी मोहम्मद बिलोंग्स टू नाइजीरिया. और जो यूनाइटेड नेशंस है इसके बारे में जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे. पहले हम देखते हैं UNGA क्या है. जैसे मैंने आपको भी बताया कि UNGA जो है एक एब्रीविएशन है फॉर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है. और ये जो UNGA है वो क्या है, ये जो संयुक्त राष्ट्र जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस उसका ये मेन आर्म है, प्रिंसिपल आर्म है, प्रिंसिपल ऑर्गन है उस एंटायर यूनाइटेड नेशंस का, जहाँ पे जितने भी कंट्रीज UN के मेंबर्स हैं सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल रोल होता है और इक्वल से होता है. जैसे कि जो आप देख सकते हो यहाँ पे 193 मेंबर्स हैं इस UN जनरल असेंबली के और जो भी यहाँ पे मीटिंग होती है, जो भी वोटिंग होता है वहाँ पे हर मेंबर कंट्री का, चाहे वो बहुत ही छोटा सा देश हो चाहे बहुत बड़ा सा देश हो, सभी के पास जो वोटिंग पावर है उसकी वैल्यू सिर्फ होती है 1. तो सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में. और ये काम क्या करता है, जो ये प्रिंसिपल ऑर्गन है ये बेसिकली पॉलिसी फ्रेमवर्क डेवलप करता है जो बाद में रेटिफाई किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. मतलब कि ये प्रपोज करता है, इसका काम क्या है, प्रपोज करना कि क्या होना चाहिए वर्ल्ड में, अगर कहीं पर कोई सुधार की ज़रूरत हो, कहीं पर कोई हेल्प की ज़रूरत हो किसी कंट्री में, कहीं पर UN के इंटरवेंशन की ज़रूरत हो तो इसका सजेशन जो है, रिकमेंडेशन जो है वो आता है जनरल असेंबली से और बाद में वो सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू अप्रूव होता है या डिसअप्रूव होता है. उसके साथ में जो जनरल असेंबली है वो वोट करती है और वोट करके सिलेक्ट करती है कि उस पूरे यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल कौन होगा. तो जितने भी UN के ऑर्गन से सबको कंबाइन करके हम कहते हैं कि दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस, ओके. तो जितने भी बॉडीज हैं उन सब का जो मुखिया है, जो हेड है, वो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UN और वो उसे जो अपॉइंट करता है वो है UN जनरल असेंबली. तो वन ऑफ इट्स प्रिंसिपल रोल्स इज दिस ऑल्सो. और आपको जीके के लिए ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अभी जो करंट सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी जनरल जो है हमारे UN के, वो कौन है, वो है एंटोनियो गुटेरेस. सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. और चूंकि स्टैटिक जीके एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, SSC CGL एग्जामिनेशन हो गया या CHSL एग्जामिनेशन हो गया या अगर आप इवन बैंकिंग एग्जाम या रेलवे एग्जाम्स में अगर जीके के क्वेश्चंस को देखोगे तो वहाँ पे UN बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र से जो स्टैटिक जीके है उसके बारे में जानकारी जो है उस पर क्वेश्चंस आते हैं. ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा जो कि इस स्टैटिक जीके के बेसिस में होता है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि UN के बारे में थोड़ा सा और जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू हम ये डिस्कस कर रहे हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो जनरल असेंबली है वो आपका प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का और सारे ऑर्गन्स जो है वो इनके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है.
193 members है, one country is equal to one vote, ये भी मैंने बता दिया. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि UN जो जनरल असेंबली है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. सो हेडक्वार्टर बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि होता कैसे है. तो यहाँ पे जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो 193 मेंबर कंट्रीज है वो रिकमेंड करते हैं कुछ भी, दे रिकमेंड आपको सजेस्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए. और ये सजेशन जो है ये बेसिकली डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है सिक्योरिटी काउंसिल. और सिक्योरिटी काउंसिल का जो मेन रोल है पूरे वर्ल्ड में, यूएन का जो भी प्रभुत्व है, जो भी यू नो डोमिनेंस कह सकते हो आप, वो सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू है. और सिक्योरिटी काउंसिल को डोमिनेट क्या करते हैं, पांच परमानेंट मेंबर्स डोमिनेट करते हैं. ये पांच परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हो. एक तो है चाइना, ठीक है, एक है आपको रशिया, एक है फ्रांस, एक है यूएसए और एक है यूके. तो ये पांच जो है ना ये है आपके मेन समझ लीजिए बॉस है पूरे यूएन के. ये पांचों परमानेंट मेंबर्स है, इनके सहमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है. तो जो भी प्रपोजल सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है वहाँ पे इन पांचों को वोटिंग की राइट्स होती है. इनके साथ साथ में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि रोटेशनल बेसिस में हर 3 साल में नए मेंबर्स चुने जाते हैं. पर इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स का कुछ खास रोल होता नहीं है, क्योंकि ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं दे हैव द पावर ऑफ वीटो, जिसे हम कहते हैं वीटो की पावर होती है इनमें. जब तक पांचों के पांचों यस नहीं बोल देंगे कोई भी चीज़ पास नहीं होता है सिक्योरिटी काउंसिल से. अगर कोई भी एक मेंबर नो कह दे उसके पास वीटो होता है उस चीज़ को करने का. अगर कोई एक मेंबर भी ऑब्जेक्ट कर दे तो वो जो भी अप्रूवल है, जो भी प्रपोजल गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास, वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं का वहीं कैंसिल हो जाएगा. जैसे हम यूजली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि चाइना ने वीटो पावर यूज़ किया और किसी पर्टिकुलर केस में इंडिया कुछ प्रपोज कर रहा था, सिक्योरिटी काउंसिल कुछ प्रपोज कर रहा था और चाइना ने अपना वीटो पावर को यूज़ करके उसे कैंसिल कर दिया. तो चाइना ने काफ़ी कम यूज़ किया एक्चुअली. मैक्सिमम वीटो पावर आज तक वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं यूएन के जो परमानेंट मेंबर्स, उसमें सबसे ज़्यादा वीटो पावर यूज़ किया रशिया ने. पर आजकल चाइना काफ़ी एक्टिव हो गया. फिलहाल तो हम देखते हैं कि यहाँ पांच नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं. इनफैक्ट ये पांच नॉन परमानेंट मेंबर्स सब कुछ डिसाइड कर देते हैं यूएन के बारे में. सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएन है उसका जो सेक्रेटरी जनरल है ये भी ये लोग चुन के देते हैं. अब एक ही नाम पास होता है सिक्योरिटी काउंसिल से जनरल असेंबली के पास, और जनरल असेंबली बस उस एक नाम को वोट करती है. मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इनडायरेक्टली सिक्योरिटी काउंसिल ही जो है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है वही सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करते आ रही है. तो जो भी ये लोग डिसाइड करेंगे वो सेक्रेटरी जनरल क्या करेगा, अप्रूव कर देगा. और एक बार वो अप्रूव कर देगा तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा. और यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है इसका भी पूरा बागडोर जो है सिक्योरिटी काउंसिल के पास होता है. इसके अलावा यूएन के और भी जो और ये जितने भी हैं सबका हेडक्वार्टर जो है, आप बस इतना देख लो, सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हो, चाहे वो सेक्रेटरी जनरल हो, इनका ऑफिस भी न्यूयॉर्क में है, सेक्रेटरीट में बैठते हैं वो न्यूयॉर्क में, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका भी ऑफिस जो है न्यूयॉर्क में है, और जो जनरल असेंबली है उसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. अगर कोई पूछे कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है, तो वो भी न्यूयॉर्क में है. अच्छा, उसके साथ में यहाँ पे एक तीन जो आप ग्रीन में देख रहे हो, एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और दूसरा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी है. और ये दोनों के दोनों कहाँ पे है, ये दोनों के दोनों आपको है द हेग में, एक जगह है नीदरलैंड्स में जिसका नाम है द हेग, और इनका हेडक्वार्टर्स वहाँ पे है. ठीक है, सो दिस इंफॉर्मेशन इज वन अगेन इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसे हम कहते हैं इको एसओसी, यूएन का जो इको एसओसी है इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है. तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क में यहाँ पे हो गया. बाकी बच गए यूएन के अदर ऑर्गन्स में, यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, या जो जो हाई कमीशन है रेफ्यूजीज के लिए, एचसीआर क्या है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, और यूनिसेफ जो हो गया उसका एजुकेशन का प्रोग्राम है, और यूएनईपी है तो एनवायरमेंट प्रोग्राम. तो ये सबके हेडक्वार्टर्स भी आपको अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में. तो मैं यहाँ पे देखा था न्यूयॉर्क हो गया, और ये यूएनएचसीआर जो है वो जिनीवा में है, और यूनिसेफ जो है अगेन वो न्यूयॉर्क में है, और जो इसका जो एनवायरमेंट प्रोग्राम है वो नैरोबी है, नैरोबी मतलब कि केनिया में है,
और FAO मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये, यूएन का जो खाद्य कृषि और खाद्य विभाग कह सकते हो आप, यूनाइटेड नेशंस का, वो कहाँ पे हेडक्वार्टर है, वो आपको है रोम में। और यूनेस्को जो है सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका है पेरिस में। और जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का हेडक्वार्टर जिनीवा में है। तो यहाँ पे एक साथ आपने कितने सारे हेडक्वार्टर्स देख लिए और ये समझ लिया, इनका फुल फॉर्म भी हमने डिस्कस कर लिया। ये सारे के सारे आपके जीके के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं एग्जाम में, स्टैटिक जीके में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, यूएन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कुछ भी हेडक्वार्टर्स या उनका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी आ चुका है पहले भी एग्जाम में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे, चूँकि हम यहाँ पे यूएनजीए मतलब कि जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने साथ में ये भी आपको अलग से समझा दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन के पास। विच नेशन डिड एस जयशंकर विजिट इन हिज फर्स्ट ओवरसीज ट्रिप एज इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर? अभी पिछले वीक मैंने बताया था कि जो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं उनमें से एस जयशंकर जो है, डॉक्टर एस जयशंकर जो कि पीएचडी होल्डर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से, जेएनयू दिल्ली से, जो अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, करेक्ट। तो उनका जो पहला विदेश यात्रा है, जो फर्स्ट फॉरेन ट्रिप है, वो किस कंट्री को गए थे? यहाँ पे नेपाल, चाइना, भूटान और इंडोनेशिया, चार ऑप्शंस आपके सामने में है। तो अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में तो आप यहाँ पे जानकारी शेयर करिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या है। भूटान, भूटान जो है वो कंट्री है जहाँ पे पहली बार हमारे जो है विदेश मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो फर्स्ट ट्रिप ऑफ एस जयशंकर वॉज टू भूटान, और भूटान के बारे में चूंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम यहाँ पे देख लेते हैं। भूटान का कैपिटल क्या है? भूटान का कैपिटल है थिम्पू, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे शेरिंग, लोटे शेरिंग। और जो यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भूटान गए थे तो वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मिले थे, और उनका नाम क्या है? टंडी डोरजी। और कभी कभी ऐसा ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन भी स्टैटिक जीके में आ सकता है कि कौन से राज्य हैं इंडिया के जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। बॉर्डर स्टेट्स विद इंडिया कौन कौन से हमारे यहाँ पे? एक है असम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो ये चार स्टेट्स हैं इंडिया के जो भूटान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग भूटान, विच इज़ वन ऑफ आवर फ्रेंडली एंड नेबरिंग कंट्रीज एंड आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स फर्स्ट फॉरेन ट्रिप आफ्टर गेटिंग इनटू ऑफिस वाज टू भूटान। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी आज का हो गया। अब हम देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली ICC हैज डिनाइड परमिशन टू विच इंडियन क्रिकेटर फॉर स्पोर्टिंग आर्मी इंसिग्निया फ्रॉम यूनिफॉर्म? अभी BCCI ने ICC के सामने एक अपील की थी कि एक पर्टिकुलर क्रिकेटर है इंडिया से जिनको कि अलाउ किया जाए कि वो उनके ग्लव्स में जो एक डैगर का इंसिग्निया है, डैगर जो है, डैगर का इंसिग्निया उनके ग्लव्स में था जो कि एक आर्मी का इंसिग्निया है। तो BCCI ने रिक्वेस्ट की थी ICC को कि आप इसे अलाउ करिए, पर ICC ने परमिशन डिनाई कर दिया। क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस क्रिकेटर ने के लिए BCCI ने ये परमिशन मांगी थी? वो क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो महेंद्र सिंह धोनी जो कि ऑनरी एक लेफ्टिनेंट जनरल है आर्मी के, तो उन्होंने उनके ग्लव्स में ग्रीन कलर का ग्लव्स देखा होगा आपने न्यूज़ चैनल्स में या न्यूज़पेपर्स में, काफ़ी चर्चा हुई है इसके बारे में। ये जो कंट्रोवर्सी हो गई थी उनके ग्लव्स में जो आर्मी का डैगर का इंसिग्निया है उसको लेके काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। ICC का जो नियम है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो किसी भी तरह के धार्मिक या फिर आर्मी से जुड़े हुए किसी सिंबल को अलाउ नहीं करता है आप किसी प्लेयर्स को कि वो आप इंडोर्स करें, वो अपने किसी भी एक्सेसरीज में या अपने ड्रेस में यूज़ करें। तो यहाँ पे आर्मी का इंसिग्निया था, इंसिग्निया मतलब क्या हो गया? सिंबल हो गया। तो ये किस क्रिकेटर से जुड़ी हुई बात है? महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी हुई बात है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा आज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। ऐसा कर सकते हैं कि हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? तो जैसे हम पिछले भी वीक के GK डिस्कशन क्लास में मैंने बताया आपको कि जब भी कोई नया प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किसी भी कंट्री में होता है तो वो फिर आपके लिए GK में क्वेश्चन बन जाता है। तो आपसे रैंडमली इतने सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, तो आपसे रैंडमली हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बारे में तभी पूछा जाता है जबकि एक
कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ हो किसी कंट्री में, या दूसरा कि इंडिया के कोई डिग्निटरी या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे उस कंट्री पे विजिट किया हो, या उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इंडिया आया हो, तो फिर वो बन जाता है जीके का क्वेश्चन। वैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर प्रयुत चैन ओचा, ही इज़ द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर फोर हमने यहाँ पे देखा कि क्या आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का। लेट्स मूव ऑन स्टूडेंट्स नाउ टू क्वेश्चन नंबर फाइव, एंड क्वेश्चन फाइव इज अबाउट ग्लोबल डिसएबिलिटी समिट। द 2019 ग्लोबल डिसएबिलिटी समिट वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कंट्रीज भी पूछ सकते हैं, सिटी भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो चार शहरों के नाम दिख रहे हैं आपको, न्यू दिल्ली इंडिया में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, पेरिस फ्रांस में है, और ब्यूनस आयर्स जो है वो कैपिटल है किस कंट्री का, अर्जेंटीना का। और इस क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट्स है ब्यूनस आयर्स, जो कि कैपिटल है अर्जेंटीना का। यहाँ पे और ये हुआ था और हेल्ड हुआ था जो ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट है 2019 का। ओके, द ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट ऑफ 2019 वाज ऑर्गेनाइज्ड एट ब्यूनस आयर्स विच इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। छोड़िया यहाँ पे डाल देते हैं अर्जेंटीना। तो क्वेश्चन फाइव हो गया स्टूडेंट्स आज का जीके का। अब हम देखते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, जल्दी से पढ़िए। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आंसर पोस्ट करिए ऑप्शन में। यहाँ पे प्रीवियस सेशन कॉन्टेस्ट क्वेश्चन ये है, हु हैज बीन सोन इन एज अ न्यू सीएम ऑफ सिक्किम। ये पिछले वीक का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन है, जो कि हर वीक हम आपसे कॉन्टेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपने पिछले वीक वीडियो देखा था हमारा, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे नए जो मुख्यमंत्री जो है सिक्किम के, उनके बारे में क्वेश्चन था। यहाँ पे चार ऑप्शन थे, इनमें सही आंसर यहाँ पे प्रेम सिंह तमंग है। ठीक है, प्रेम सिंह तमंग इज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। तो अभी भारत में चार से पांच राज्यों में नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो उन नए मुख्यमंत्रियों का नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश में चेंज हुआ है, उड़ीसा में चेंज हुआ है, सिक्किम में चेंज हुआ है, तो इस तरह से जितने भी नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। सिक्किम का जो है आंसर है वो है प्रेम सिंह तमंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉन्टेस्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज का जो कॉन्टेस्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे अभी आएगा और आपको दिए जाएंगे 60 सेकेंड्स उस कॉन्टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और आंसर जो है वो आपको पोस्ट करना है कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आज का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन ये रहा और आपके आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। टोटल 60 सेकंड्स यहाँ पे है। बुक्स एंड ऑथर्स में से ये क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द न्यूली रिलीज बुक। अभी जो नए नए बुक एक रिलीज हुआ है, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। जैसे कि हम जान रहे हैं कि अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसके बेसिस पे एक नया बुक आया है जो काफी पॉपुलर है, तो उसके राइटर कौन है, कौन है उनका ऑथर। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों जो है क्रिकेट से जुड़े हुए, हर्षा भोगले, कपिल देव, संजय मंजरेकर और आशीष। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। 40 सेकंड और टोटल टाइम दे चुका हूँ मैं आपको, जो कि काफी वक्त होता है जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अपने बाकी के क्वेश्चन को देखेंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं अपने अगले वीक के जीके सेशन में डिस्कस करूंगा। All right, students, let's move on to the next question for today, that is question number 6. What was the theme of the World Environment Day 2019? पहले तो ये बताइए कि World Environment Day जो है वो किस दिन पे ऑब्जर्व किया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। World Environment Day is observed on 5th June. हर साल 5th June को मनता है World Environment Day. और फिर 8 June को, जो कि आज है, वो है World Oceans Day. ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों दिन काफ़ी, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट वीक कहा जाता है, एक हफ्ता होता है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट वीक, और उस वीक में ये दोनों दिन होते हैं। एक होता है 5th June को जो कि है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और एक होता है 8th June को जो कि है वर्ल्ड ओशंस डे। तो ये पूरा जो जून का महीना है, ये जो आपको फर्स्ट वीक कह सकते हो या आपके फर्स्ट 10 डेज जो है, ये एनवायरनमेंट को डेडिकेटेड होता है। जैसे कि 2nd June को भी आप यहाँ पे एक नोट कर लो, एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई बात है, मैं अलग से बता रहा हूँ कि वर्ल्ड बाईसाइकिल डे भी मनाया गया। ठीक है, इंडिया में हीरो कंपनी ने उसे स्पॉन्सर किया, और
पूरे अच्छे से पूरे देश भर में इसकी प्रमोशन हुई। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे जो है ये प्रोत्साहित करता है लोगों को कि साइकिल यूज़ करें, ना कि मोटर गाड़ी या बाइक या स्कूटर, क्योंकि साइकिल में प्रदूषण नहीं होता, एयर पॉल्यूशन नहीं होता। तो एक तरह से ये भी जो है एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे आपका 2 जून है, वर्ल्ड ओशंस डे 8 जून है, और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है 5 जून है। ये सारे अभी रिसेंट इवेंट्स हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का थीम क्या है। देखिए, हर साल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जो कि एक बहुत ही मेजर डे है, यूनाइटेड नेशंस इसको बहुत प्रमोट करता है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, विश्व भर में, क्योंकि एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन इतनी ज़रूरी है, तो इसके लिए थीम होता है। और इस साल का थीम है एयर पॉल्यूशन। तो इस साल जो फोकस है वो वायु प्रदूषण पे है कि जो कैसे पूरे विश्व भर में जो है वायु या एयर जिसे कहते हैं वो पॉल्यूट हो रही है, उससे किस तरह के डिजीजेस हो सकते हैं और कैसे वो हार्मफुल है हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए। सो एयर पॉल्यूशन इज द फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड एनवायरमेंट वीक। और ये जो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये लास्ट ईयर का थीम था और एयर पॉल्यूशन इस साल का थीम है। तो दीज आर दी इंफॉर्मेशन दैट यू शुड नो रिगार्डिंग दी वर्ल्ड एनवायरमेंट वीक और वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2019। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो भी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे से जुड़ा हुआ है। हर साल एक कंट्री होस्ट कंट्री होता है वर्ल्ड एनवायरमेंट वीक के लिए, और यूएन के जितने डेलीगेट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उस कंट्री में जाते हैं और उस कंट्री में मेनली इसके सारे इवेंट्स होते हैं और काफ़ी सारा चर्चा होता है वहाँ पे। तो पिछले साल 2018 में इंडिया था होस्ट कंट्री वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का, और इस साल चाइना है द होस्ट कंट्री फॉर दिस ईयर्स वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज चाइना। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हो। और ये जो आपको एनवायरमेंट डे है, इसमें से क्वेश्चंस हर साल आ चुके हैं और इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक क्वेश्चन एनवायरमेंट बेसिस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे आ सकता है, थीम आ सकता है या होस्ट कंट्री आ सकता है इस साल आपके एग्जाम में। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चन है ये आपके लिए, इस साल जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं भी उनके लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 फॉर टुडे। लेट्स सी स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन। व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड। तो ये जो है June 7th आंसर है इसका। फूड सेफ्टी का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में जो लोग फूड कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, उसमें काफ़ी सारा कॉन्टामिनेशन है और मिलावट है, अडल्ट्रेशन है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को ये बताया जाए कि सेफ फूड खाना कितना ज़रूरी है और इसके बारे में चर्चा हो कि हाउ टू रिड्यूस कंटामिनेशन फ्रॉम फूड, हाउ टू रिमूव एडल्ट्रेशन फ्रॉम फूड। और इसके लिए जो दिन है वो है June 7th। June 7th इज ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड एज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू। अब हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आज का। Who has won Amnesty International's Ambassador of Conscience Award 2019 for mobilizing world public opinion about global warming? ऑन डाल सकते हैं आप। चलिए, तो पहले हम देखते हैं कि Amnesty International क्या है। एक NGO है, ये international NGO है जो world over काम करता है। It works for human rights abuse और काफ़ी सारे चीज़ों में, सोसाइटी इम्प्रूवमेंट में काम करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल रेफ्यूजीज़ के लिए काम करता है। तो ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और उसका एक अवार्ड है काफ़ी प्रेस्टिजियस जिसे कहते हैं एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइंस अवार्ड। ठीक है, और साल 2019 के लिए किसे दिया गया है ये अवार्ड, ये है क्वेश्चन। फॉर व्हाट पर्पस द अवार्ड हैज बीन गिवन। फॉर मोबिलाइजिंग, माने लोगों को इनकरेज करना, उन्हें रास्ता दिखाना, एंड क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन ग्लोबल वार्मिंग। लोगों को ये समझाना कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और उन्हें हेल्प करना इसमें कुछ एक्टिव स्टेप्स लेने के लिए। सो ग्रेटा थनबर्ग इज अ स्वीडिश टीन एजर। ये 16 साल की लड़की है, स्वीडन कंट्री को बिलोंग करती है। सो इज अ स्वीडिश टीन एजर, 16-year-old स्वीडिश टीन एजर ग्रेटा थनबर्ग इज अ विनर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल्स एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइंस अवार्ड 2019। तो ये स्टूडेंट है, काफ़ी इंस्पायरिंग लड़की है ये, 16 साल की है, पर कितना इसका एफर्ट है टुवर्ड्स क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन ऑन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा आज का। अब हम चलते हैं हमारे आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द करंट रेपो रेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। काफ़ी डिलिब्रेशन के बाद, काफ़ी डिस्कशन के बाद RBI ने फाइनली रेपो रेट को कम कर दिया, जो कि मार्केट में भी ये एक प्रेडिक्शन था कि RBI डेफिनेटली रेपो रेट को कम करेगा।
जो कि आपको 6.25% 5% था उसे घटा के वो कितना करेगा इसके बारे में लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे, और अभी जाके आरबीआई ने रेपो रेट को कम कर दिया है और उसे 5.75% कर दिया है। क्योंकि चलिए पहले देखते हैं कि रेपो रेट होता क्या, पहले समझते हैं कि रेपो रेट है क्या। तो यहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। रेपो रेट वो रेट है जिसमें आरबीआई बैंकों को लोन देता है। जैसे हम जब हमें पैसा चाहिए होता है तो हम बैंक से पैसा लेते हैं, पर जो ये बैंक है जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, जितने भी शेड्यूल्ड बैंक इंडिया में है, जब उन्हें पैसा चाहिए होता है तो आरबीआई से लोन लेते हैं। आरबीआई जब उन्हें शॉर्ट टर्म मोस्टली ओवरनाइट टू वन डे जब लोन देता है तो उस पर जो रेट अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। और रेपो रेट जो है वो LAF का पार्ट है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का पार्ट है रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कंबाइंड, इन्हें हम कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो रेपो रेट के घटने से क्या होता है कि बैंकों को लोन कम आपको ब्याज या इंटरेस्ट में मिल जाता है, और जब उन्हें पैसा कम इंटरेस्ट से मिलेगा तो फिर वो आगे जाके आपके लिए, हमारे लिए जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी इंटरेस्ट कम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि अभी फिलहाल इकोनॉमी का सिचुएशन बहुत ही बुरा है। मतलब लास्ट क्वार्टर का ग्रोथ सिर्फ 5.8% है। इकोनॉमी इज इन अ वेरी वेरी ग्रिम सिचुएशन। दैट इज वाई आरबीआई इज टेकिंग अ ग्रिम सच अ ड्रास्टिक एंड डेस्परेट मेजर। 5.75% जो है ना, पिछले 9 साल का लोएस्ट रेपो रेट है। 2010 के बाद रेपो रेट कभी भी 5.75% नहीं हुआ, और 2010 में भी रेपो रेट कम हुआ था क्योंकि 2008 में ग्लोबल रिसेशन आया था, तब जाके रेपो रेट को घटा के 4.75% या 5.25% किया गया था 2010 में। उसके बाद 9 साल में कभी भी रेपो रेट 6% के नीचे नहीं गया इंडिया में। पहली बार इंडिया में 6% के नीचे गया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि प्रोडक्शन रुक गया है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है और लोग कुछ भी खरीद नहीं रहे हैं, और इसके चलते क्या हो रहा है, ओवरऑल आउटपुट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ नहीं है, लोग कुछ बड़ा परचेज नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, और अगर ये चलता रहा तो आगे और भी मुसीबत हो सकती है। इसलिए लिक्विडिटी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए और एक इंजेक्ट करने के लिए, ग्रोथ को ट्रिगर करने के लिए ये काम किया गया है, 5.75% रेपो रेट हो गया है। और जब भी रेपो रेट चेंज होता है उसके साथ में बाकी रेट्स में भी असर आ सकता है, जैसे कि SLR अभी 19% है, इस पर कोई असर नहीं आया रेपो रेट का। SLR क्या होता है, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो को कहते हैं SLR। क्या है ये SLR, जो बैंक्स के बाद पूरी आप कह सकते पूंजी होती है, उनका जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होता है उसका 19% बैंक जो है टच नहीं कर सकती है, बैंक जो है उसे यूज नहीं कर सकती है लोन्स देने में। वो 19% बैंक्स के पास हर टाइम लिक्विडिटी के फॉर्म में मौजूद होना चाहिए ताकि अगर कस्टमर्स को जरूरत पड़े तो वो बैंक उन्हें दे सके। इसे कहते हैं स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, 19% है। काफ़ी दिन से डिमांड है इसे घटाने की, पर आरबीआई ने इसे घटाया नहीं है। सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो है, जो 4% है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का। बैंक की पूरी जो लिक्विडिटी है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसका 4% बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है अगर वो एक शेड्यूल्ड बैंक है। तो उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6% है, ये भी एक तरीका है बैंक्स के लिए लोन लेने का, ठीक है। और जो रेपो रेट है वो तो मैंने आपको बता दिया, जब बैंक जो है आरबीआई से लोन लेती है तो वो रेपो रेट में लेती है। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट है, और ये इंटर बैंक रेट भी कहा जा सकता है, इसे आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं रेपो रेट जो है। रिवर्स रेपो रेट जो है वो क्या होता है कि जब बैंक्स अपना पैसा आरबीआई पे पार्क कर दे या आरबीआई को दे एज अ लोन, तब उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तब आरबीआई बैंक्स को 5.5% जो है वो इंटरेस्ट देता है उस पैसे पे। और बैंक रेट नॉर्मली जब लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है बैंक्स के लिए तो वो रेपो रेट में नहीं होता है, बैंक रेट में होता है, और बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से जुड़ा होता है। तो आप उसे कह सकते हैं कि 1 basis point ऊपर या नीचे होता है, बैंक रेट इज 6%। तो जब भी आपको रेपो रेट चेंज होगा तो MSF जरूर चेंज हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट चेंज हो जाएगा और बैंक रेट चेंज हो जाएगा, पर ये दोनों जो है इनका रेपो रेट से लेना देना नहीं है, ठीक है। एक और रेट चल रहा है अभी MCLR, ये भी रेपो रेट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। मार्जिनल, इसका फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट।
एल आर क्या है लेंडिंग रेट, और एम सी क्या है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ किस चीज का, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड बी ए एस ई डी बेस्ड लेंडिंग रेट। अभी कोई भी बैंक्स MCLR के नीचे आपको लोन नहीं दे सकता है, पहले इसे हम बेस रेट कहते थे पर अभी से इसका जो कैलकुलेशन टेक्निक है वो चेंज हो गया है और अब हम इसे कहते हैं MCLR। ये नया सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ी एडिशनल जानकारी आपको ज़रूर हासिल करनी चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया सारा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रेपो रेट जो कि अभी 5.75% है और ये बहुत ही हॉट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में कि क्यों हुआ ये। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट आर्कटिक ट्रेन सर्विस लॉन्च्ड बाय रशिया। रशिया ने एक आर्कटिक जो है जो आर्कटिक जो टॉप में हमने देखते हैं बर्फ का पूरा एक ये है उसे हम आर्कटिक कहते हैं और नीचे जो है साउथ पोल में उसे हम अंटार्कटिक कहते हैं। तो आर्कटिक में एक ट्रेन सर्विस लॉन्च किया है रशिया ने, उस ट्रेन सर्विस का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ट्रेन सर्विस। सो द आंसर स्टूडेंट्स हियर इज ज़ारगोल्ड, ZARE GOLD, ज़ारगोल्ड इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेन सर्विस लॉन्च, द नेम ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ इज ज़ारगोल्ड, दिस इज आर्कटिक ट्रेन सर्विस लॉन्च्ड बाय रशिया। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन 11। Let's look at question number 12. आज का 12वां क्वेश्चन क्या है, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह नीति आयोग को रिकॉन्स्टिट्यूट किया था मोदी जी ने 5 जून को, ठीक है, 5 जून नीति आयोग वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, मतलब कि चेंजेस हुए हैं वहां पे कुछ कुछ, ठीक है, और उन चेंजेस में आपको ये है कि राजीव कुमार जो है वो अभी करंट वाइस चेयरमैन बने हुए हैं नीति आयोग में, तो ये आपको पता होना चाहिए था कि हु इज द करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट, यू शुड नो अबाउट दिस फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्या है 2014 के मई तक प्लानिंग कमीशन जो था वो कंप्लीटली प्लान्स को फॉर्मुलेट करता था, जिसे हम कहते थे 5-year प्लान्स इंडिया में, और ये प्लानिंग कमीशन इंडिया में 1951 से थे और नेहरू जी के जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था और इतने सालों तक इंडिया में जैसे हम कहते थे कि 5 वर्षीय योजना या 5-year प्लान्स बनाया और ओवरसी किया, सारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो है वो प्लानिंग कमीशन के पार्ट थे। पर जब मोदी जी सत्ता में आए 2014 के मई में तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करके नया सिस्टम लॉन्च किया जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगेन द पर्पस इज वेरी सिमिलर, इकोनॉमिस्ट आर देयर, देयर आर रिसर्चर्स हु आर पार्ट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और जितने भी स्टेट्स इंडिया में सब सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज दे फॉर्म द गवर्निंग काउंसिल। जो इस नीति आयोग है ना उसके जो टॉप डिसाइडिंग बॉडी है उसे कहते हैं गवर्निंग काउंसिल। इस गवर्निंग काउंसिल में जितने भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं CMs एंड लेफ्टिनेंट जनरल्स जो है हमारे यूनियन टेरिटरीज के वो इसके मेंबर हैं, वो इसके पार्ट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज। इसके अलावा जो मेन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो भी गवर्निंग काउंसिल के पार्ट हैं और सारा जो डिसीजन होता है वो गवर्निंग काउंसिल लेता है और वहाँ पे जो चेयरमैन है डी फैक्टो चेयरमैन, ये जो पहले प्लानिंग कमीशन था उसके लिए भी सही था ये, डी फैक्टो चेयरमैन ऑलवेज इज द प्राइम मिनिस्टर। सो नरेंद्र मोदी इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एंड देन वाइस चेयरमैन इज राजीव कुमार, और ये जो आप देख रहे हो तीन नाम यहाँ पे वीके सरस्वत, रमेश चंद और वीके पॉल, इनके बारे में भी आप जानते, दे आर द परमानेंट मेंबर्स, दे आर परमानेंट मेंबर्स, अभी जो परमानेंट मेंबर्स, तो ये भी क्वेश्चन बनके आपके लिए आ सकता है एग्जाम में रिगार्डिंग हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द नीति आयोग। गवर्निंग काउंसिल पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म क्या है उसके बारे में पूछ सकते हैं, वाइस चेयरपर्सन कौन नीति आयोग का, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है एग्जामिनेशन में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये था हमारा 12वां क्वेश्चन, अब हम देखते हैं आपका 13th क्वेश्चन क्या है। कॉन्फेटी इज एन इंटरैक्टिव गेम शो लॉन्च्ड बाय विच कंपनी, ठीक है, एक नया गेम शो लॉन्च किया है एक पर्टिकुलर कंपनी ने जिसका नाम है कॉन्फेटी। क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है ये कि किस कंपनी ने लॉन्च किया था, चार ऑप्शंस आपके सामने है, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न।
So let's see what is the answer for this question. This confetti, which is an interactive game show, is launched by Facebook. Facebook ne launch kiya hai ye interactive game show jiska naam hai confetti. Alright students, to ye tha hamara aaj ka 13th question. Aur ab hum dekhte hain aaj ka 14th question kaun sa hai. Which country has made it mandatory for visa applicants? जो लोग उस कंट्री का वीज़ा चाहते हैं, उस कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं फॉर वॉट एवर पर्पज, फॉर टूरिज्म, फॉर एजुकेशन, फॉर वर्क, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपने 5 साल का सोशल मीडिया प्रोफाइल, मतलब फेसबुक प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में उनका अकाउंट है, वो शेयर करना पड़ेगा अपना प्रोफाइल. उस कंपनी में जो वीज़ा एजेंट्स हैं उनके प्रोफाइल को देखेंगे और देखेंगे कि क्या इन लोगों ने उस देश के बारे में कुछ भी गलत कहा है या कुछ भी नेगेटिव कहा है, और उसके बेसिस में वो वीज़ा अप्रूव करेंगे. तो ये पहली बार किसी कंट्री ने ऐसा किया है, किसी भी वर्ल्ड के किसी कंट्री ने ऐसा नहीं किया था, पर यहाँ पर एक कंट्री है. विच कंट्री हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर वीज़ा एप्लीकेंट्स टू सबमिट देयर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स. So which country is this country? This country is USA. अगर आपको USA जाना है तो आपको अपने सोशल मीडिया का जो हैंडल है, जो प्रोफाइल है, वो सौंपना पड़ेगा वीज़ा एजेंट्स को. वो आपके 5 साल के सोशल मीडिया को देखेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे कि क्या आपने अमेरिका के बारे में कुछ भी गलत कहा है, कुछ भी क्रिटिसिज्म किया है, क्या नेगेटिव या कुछ भी ऐसा वायलेंट सोच दिखाया है आपने अमेरिका की तरफ ही नहीं, ऐसे इन जनरल भी क्या आपने किसी रेसिज्म को लेकर कुछ पोस्ट किया है, या हेट्रेडनेस को, किसी कम्युनल डिसहारमोनी को, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को के लिए आपने अपशब्द यूज़ किया, या वायलेंस को अप्रिशिएट किया, या रेप को अप्रिशिएट किया, किसी भी तरह का नेगेटिव ट्रेट अगर वो उन्होंने आप में देखा, तो बस आपका वीज़ा हो जाएगा रद्द. तो अगर आपने 5 साल में कभी भी कुछ पोस्ट किया है, तो बस आप बाय बाय कर दीजिए अपने USA के प्लान को कि आप USA जा पाएंगे. ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं, पर वो कैसे इसको यूज़ करेंगे वो अभी भी हमें देखना है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दे वांट टू सी एंड अंडरस्टैंड यू एज अ पर्सन बिफोर गिविंग यू अ वीज़ा. ठीक है, ये काफ़ी हार्ड स्टेप है क्योंकि लोग कभी कभी कुछ भी पोस्ट कर देते हैं जो उनका इंटेंशन नहीं होता है, पर अब क्या किया जाए, सोशल मीडिया का इतना इम्पैक्ट है वर्ल्ड में कि ये तो अब फिर बाकी कंट्रीज भी फॉलो करना चाहेंगे. ऑलराइट, तो आज का ये था 14 क्वेश्चन जो हमने देखा, 14 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वीक, फ्रॉम 2 जून टू 8 जून, एंड लॉट्स ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई हैव शेयर्ड विद यू रिगार्डिंग स्टैटिक जीके पार्ट फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लाइक द वीडियो एंड यू हैव लर्न समथिंग न्यू. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड समथिंग एंड लर्न समथिंग न्यू, प्लीज शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. If you're watching this video on YouTube, you can also download our HashLearn app from Play Store, and you can watch the videos directly using HashLearn app, where you will get a lot of other benefits. You can also purchase our passport access program to get access to all the full length tests that we have, all of our previous videos, and a lot of other bonus content. So thank you for joining with us, students. I'll see you next week on Saturday at 7 o'clock with my next week's GK capsule. Thank you.